हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब, होप सो आप अच्छे होंगे। और आज हम बात करने वाले हैं, एक टीवीएस रोनिन बाइक है जो 225 सीसी के सेगमेंट में है, तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे और दिखाते हैं आपको जल्दी से जल्दी। नए हो तो चैनल वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो गाइस, सबसे पहले आप सिनेमैटिक शॉट एंजॉय करो, फिर उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ इसके फीचर वगैरह। In my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play. How I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes. Taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great. Popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day. I get lost in the words I say. I don't push pods, no, I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. तो टीवीएस रोनिन जो होने वाली है 225 सीसी की सेगमेंट में होने वाली है, तो दिखाते हैं उसके बारे में फीचर, बताते हैं उस बाइक में क्या क्या चीजें हैं, तो दिखाते हैं कैसी लगती है वो। तो ये होने वाली है भाई वो बाइक, तो टीवीएस रोनिन ये है आपकी 225 सीसी के अंदर ये वाली बाइक, ठीक है। कुछ इस तरीके से देख लो, उसका लुक कितना प्यारा है, ठीक है। साइड सेगमेंट की बात करूं मैं तो देखो इस तरीके से है, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रांडिंग भी काफ़ी अच्छी सी दे रखी है टीवीएस ने रोनिन की, ठीक है। और कुछ बात करूं मैं इसकी आगे की, जो हेड लुक है, हेड लुक देखो कितनी प्यारी लग रही है। अब मैं बात कर लेता हूँ इसके, जो सबसे पहले इसका सेगमेंट में आपको बताऊँ, सबसे बढ़िया लगने वाला जो मेरे को सबसे अच्छा लगा, तो इसकी सॉकर है ना, तो सॉकर इसके इतने प्यारे लग रहे हैं कि कसम से, रियल में जो ऑलरेडी होता है कि जैसे हम टेपिंग करवाते हैं, बट यहाँ पे हमें टेपिंग कराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो कितना प्यारा दे रखा है और काफ़ी हैवी सॉकर है, ठीक है। तो अब तीसरी दूसरी चीज़ जो उसका आगे बात बात करने वाला हूँ यहाँ पे, जो उसके आगे का कंसोल का जो मीटर है, देखो इस तरीके से जो मीटर है ना, तो मीटर इस तरीके से कितना प्यारा लग रहा है, डिजिटल मीटर है, ठीक है। और जो उसके आगे के जो मिरर दे रखे हैं ना, वो भी काफ़ी इन्हेंस लुक दे रहे हैं। ये वाले आप देख पा रहे होंगे, ये काफ़ी लुक कितने प्यारे दे रहे हैं। तो इसमें मैं कह रहा हूँ कि आपको बाहर से आफ्टर मार्केट आपको लगाने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। यही आपके में जो डिजिटल मीटर में है ना, जो सबसे पहले यहाँ पे जो मोड का सिस्टम दे रखा है ना, मोड का सिस्टम क्या है कि सपोज दैट अभी यहाँ पे आप देख पा रहे हो डिस्प्ले पे, यहाँ पे अर्बन दिखा रहा है, ठीक है। अर्बन दिखाने के बाद यहाँ पे सेकंड मोड में अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ से अगर हम गाड़ी चालू करते हैं ना, तो यहाँ पे अगर मैं मोड पे क्लिक करूँगा ना, ये वाला जो मोड का बटन है, तो यहाँ पे हो जाएगा रेन मोड, ठीक है। देखो यहाँ पे रेन मोड चेंज होगा, यानी कि अगर आप बारिश में कभी जा रहे हो तो आपके इंजन की थोड़ा सेफ्टी वगैरह के पर्पज़ से है, ठीक है। तो एक बार मैं आपको ना इसका साउंड सुनाता हूँ, ताकि जो इसका साउंड है वो काफ़ी इन्हेंस लुक देता है। ये वाला हम यहाँ से सेल्फ स्टार्ट करेंगे, ये बटन आपका ऑन ऑफ का हो गया, गाड़ी को कर लिया हमने न्यूटन, और इस तरीके से अभी हम चालू कर रहे हैं गाड़ी को। और देखो भाई, ये देखो भाई, तो गाड़ी को मैं एक बार एस्केलेटर से रेस देता हूँ, फिर और दिखाता हूँ आपको आवाज़ इसकी। ठीक है, तो गाड़ी में देख लो यार कितनी प्यारी आवाज़ आ रही है, कितना साउंड आ रहा है, कोई आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट आपको लगाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल क्या लुक दे रहा हूँ यहाँ तक देखो यार, हाफ तक, ठीक है। अब गाड़ी को बंद कर लेते हैं, उसके बारे में अगला फीचर मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या होने वाला है, ठीक है। वैसे तो भाई ने यहाँ पे सेंटर लॉकिंग की चाबी लगा रखी है, ठीक है, ये तो आफ्टर मार्केट है, ये कंपनी की तरफ से नहीं आती है। दूसरी चीज़, आप इसमें इंडिकेटर भी आपको इसमें ब्लिंकर मिल जाएंगे, ठीक है। और ओवरव्यू इस तरीके से देखिए, टैंक की कैपेसिटी भी 14.5 लीटर की है इसमें, ठीक है। जो ये पीछे का जो जैसे हमारे वहाँ टॉप रैक लगता है हमारे में, तो इस तरीके का जो दे रखा भाई के एरियर टाइप का, ये काफ़ी हैवी भी दे रखा है, ठीक है। और पीछे से जो लुक आ रही है ना, मतलब एक बात बताऊँ, रियल में ब्रॉड टायर है यार काफ़ी, मतलब देख लो कितना मोटा टायर है, ठीक है। टायर भी टीवीएस वालों ने, टीवीएस के टायर ट्यूबलेस है, ट्यूबलेस मिल जाता है इसमें आपको, ठीक है। और लुक देखो यार, और पीछे आगे पीछे इसमें दोनों में डिस्क है, ठीक है, ABS मॉडल है, दोनों तरफ डिस्क है इसके आगे भी और पीछे भी, ठीक है। तो गाड़ी का लुक कुछ इस तरीके से है, आप देख पा रहे होगे बिल्कुल यार क्या लुक दे रहा है। लाइट भी देखो कितनी प्यारी लग रही है, रियल में दिखाऊं तो मैं आपको यहाँ से, ठीक है। तो लुक देखो, आगे का टायर भी काफ़ी अच्छा लुक दे रहा है। और भाई यार, हारे के सहारे बाबा श्याम हमारे, अगर आप भी यार बाबा श्याम को लाइक करते हैं और मानते हैं, तो यार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना अच्छे से। और इंडिकेटर भी इसमें आफ्टर मार्केट आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसमें काफ़ी अच्छी इंडिकेटर दे रखे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो भाई गाड़ी का लुक देखो यार इस तरीके से है, और देखो गाड़ी बिल्कुल, देखो इंडिकेटर भी कितने प्यारे लग रहे हैं, ठीक है। मतलब आफ्टर मार्केट को लगाने की जरूरत नहीं है, तो टीवीएस ने यार बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छी लग रही है गाड़ी, देखो दूर से देखो कितना प्यारा लुक आ रहा है, ठीक है। और भाई ने अभी इसमें लैमिनेशन करा रखी है, ठीक है, ये वाली लैमिनेशन करा रखी है। गाड़ी देखो कितनी प्यारी लग रही है बिल्कुल यार। और एक बात बता दूँ आपको, ये वाला वाइजर इसमें आता नहीं है, ये आफ्टर मार्केट लगाया गया है, इसके अगर आपको लगाना है तो आप इस तरीके से लगा सकते हो, देखो, ठीक है। तो देख लो आप, बड़ी प्यारी लग रही है गाड़ी। तो गाइस, वीडियो यही थी, और चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार। और वीडियो बाइक कैसी लगी कमेंट में नीचे करके बताना कि बाइक कैसी लगी, आप कर देना दोस्तों के साथ शेयर करना, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग
व्लॉग देखने के लिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और टिल देन टेक केयर, बाय बाय।